अभी मैं बताऊंगा और इसको बाद में फिर आपसे सुनूंगा, देखूंगा मेरे को कौन बोल पाता है। जो बोलेगा ना उसको मैं इनाम दूंगा, जिसको मेरे को सुना देगा उसको मैं इनाम दूंगा, कृष्णा उद्धव जी को। इसलिए कृष्णा उद्धव जी को क्यों भेजे थे सुन लो पहले। ए, उसको सामने मत बैठो, हरी हट जाओ। हाँ देखो, अभी अभी सुना ध्यान से, तीन चार पॉइंट बताऊंगा। इसका पहला कारण था, अभी ब्रज गोपियां भी कृष्ण विरह में दुखी है, कृष्ण भी गोपियों को विरह में दुखी, और राधा रानी गोपियां भी कृष्ण विरह में दुखी, दोनों दुखी दुखी है। अब देखना, अगर संसार में बहुत ज्यादा जो दुखी दुखी होते हैं ना, अगर कोई सुनने वाले व्यक्ति हो, अगर उसको सुना दो ना, देखना दिल खाली हो जाता कि नहीं। दिल में बहुत दुख है, लेकिन सचमुच से तुम्हारी दुख को जो समझने वाले व्यक्ति हो, दुख को समझने वाले व्यक्ति होनी चाहिए, सबको नहीं, जो तुम्हारे दुख दर्द को समझेगा, अगर उसको दिल की बात खोल कर बता दो, देखना हृदय तुम्हारी खाली हो जाए। इसलिए जो गोपियां हैं वो एक नहीं, वो बहुत है, समझ आते वाले बहुत है। ये तो कृष्ण विरह में दुखी है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, आपस में बैठी करके एक दूसरों को अपना दुख की बात बोल देती है, रो लेती है दूसरों के सामने, इसलिए इनका हृदय तक खाली हो जाती है। लेकिन कृष्ण वहां पर अकेले, अभी इनको दुख समझने वाले कोई है नहीं, क्योंकि जो ब्रज का जो प्रेम, इतने हाई फाई प्रेम है, जिसके लिए शंकर भी गोपी बन करके आते हैं, गोपियां उनको केस पकड़ कर निकाल देती है, हैं? इसलिए लक्ष्मी भी कठोर तपस्या कर रही है बेलवन में, नारद भी कठोर तपस्या कर रहे हैं, ब्रह्मा जी पत्थर बन करके ब्रह्माचल पर्वत रूप में ब्रह्मा भी तपस्या कर रही है सबके सब, लेकिन वो प्रेम को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए अभी कृष्ण सोच रहे हैं, भैया ये गोपियां तो अपना हृदय की बात को बोल करके एक दूसरे के पास में हृदय को हल्का कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरी दुख को समझने वाले कोई है ही नहीं, मैं अकेले में अपना अंदर में घुटन सा हो रहा है। अगर किसको नहीं बोल पाओगे ना, तुम्हारे दुख की बात, देखना लास्ट में वो व्यक्ति पागल बन जाता है। क्या होता है? पागल बन जाता है। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं, भाई अभी अब क्या करेंगे, क्या करे, किसको दिल की बात सुनाओ अभी कृष्ण। ये एक पहला पॉइंट याद रहेगा कि नहीं, इसे उद्धव जी क्यों भेजे। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं, ऐसे एक व्यक्ति को ब्रज में भेजा जाए, जो व्यक्ति वहां पर एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी में वहां पर जो प्रोफेसर है ना, ये ललिता विशाखा चंपकलता रूपमंजर रतिमंजर ये सब के सब प्रोफेसर है, लेकिन ये प्रिंसिपल कौन है, प्रिंसिपल कौन है? देखो मैं बाद में पूछूंगा, जो नहीं बोलेगा ना कान पकड़ खड़े कर देंगे, इसलिए ध्यान रख रहे। प्रिंसिपल कौन है? अभी वहां पर बहुत बड़े कॉलेज है। अभी कृष्ण सोच रहे हैं, देखना अगर कहीं हाई फाई कॉलेज होना, स्टूडेंट भी ऐसे होने चाहिए, हाई फाई नंबर 90% ज्यादा आना चाहिए, कम होगा तो वहां पर भर्ती नहीं हो सकता है। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं, यहाँ पर कोई क्या है मथुरा में, जो कि वो जा करके वो कॉलेज में एडमिशन हो सके, कोई है क्या यहाँ पर? इसलिए कृष्ण सोचने लगे, सोच कर देखा, हाँ यहाँ पर और तो कोई दिख नहीं रहे हैं, लेकिन केवल एक व्यक्ति दिख रहा है, पूरा क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वालिफिकेशन है, जो वहां कॉलेज में जाकर भर्ती होकर के वहां पर प्रेम की, क्योंकि उद्धव जी जब स्वर्ग में गए थे वहां पर गुरु जी बृहस्पति, वहां पर तो सारे विद्या को पढ़ा, लेकिन एक विद्या अभी पढ़ना बाकी रह जाएगा। कौन सा विद्या? कहते प्रेम की विद्या अभी बाकी रहेगी, क्योंकि अभी उनको पास में है ही नहीं वो विद्या, फिर दूसरों को पढ़ाएंगे कैसे। इसलिए कृष्ण सोच रहे, अगर यहाँ से कोई जाए और वहां पर एडमिशन हो जाए और वो विद्या को अच्छे तरह से पढ़ ले, अगर पढ़ लेगा ना वहां की विद्या, जब यहाँ पर आएगा फिर वो समझ सकता है सचमुच से ये ब्रजवासियों का प्रेम कितने हाई भाई, गोपियों की राधा रानी का प्रेम कितने हाई भाई, वो समझ सकता है। जब समझ सकता है, जब फिर उधर से इधर आएगा ना, फिर मैं अपना हृदय को दिल को खोल करके बोल सकता हूँ। अगर यहाँ पर किसको बोलू ना, ये गोपियों की राधा रानी की बात है, पागल है, जो कंडे बिनते दही मंथन करते गांव में ग्वालिनिया, उनकी बात कर रहा है, पागल कहाँ की।
हम ये पागल समझेंगे, लेकिन अगर उद्धव वहां पर गए, एडमिशन हो गई, वो विद्या को पढ़े, अगर यहाँ पर आए, अगर मैं फिर अपना दिल की बात बताऊं राधा रानी गोपियों को, भैया थोड़ा बहुत समझेगा। इसलिए उद्धव को भेजने का पहला कारण क्या हो गया, याद रहेगा कि नहीं, किसको याद होगा, हाथ उठा कर तो नहीं याद रहेगा, ये पहला कारण है। हाँ, उसका दूसरा कारण बता रहे हैं, इसलिए गुरुदेव ये सब बात को गुरुदेव कहते थे, इसे अब विश्वनाथ चतुर्थी टीका की होगी। दूसरा कारण बताते हैं उद्धव जी को भेजे, कल जगत में सबसे जो बड़ा प्रेम है ये ब्रजवासी और ब्रज गोपियों का राधा रानी का प्रेम है। लेकिन जैसे साधारण व्यक्ति अगर कोई बात को बोले ना, भाई इसका बात का क्या कीमत है, लेकिन अगर मोदी कोई बात को बोलता है, अगर जोगी कोई बात को बोलता है ना, भैया इसमें किसी दम है, क्यों, कौन बोल रहा है, वो प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है, ये बात में कुछ दम है। अभी कृष्ण सोच रहे हैं, क्योंकि कृष्ण चाहते ब्रज प्रेम को सर्वत्र प्रचार कर, यही प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ, कृष्ण चाहते हैं ये बात को कौन बोलने पर दुनिया उसको एक साथ में स्वीकार कर सकता है। बोले साधारण व्यक्ति का बात को स्वीकार नहीं करेगा, ये उद्धव कौन है, बोले कहते शिष्य बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तम, ये बुद्धि में उत्तम बुद्धि है और बृहस्पति का ये चेला है, वो इतना हाई फाई स्टूडेंट था, इसलिए यहाँ पढ़ने के लिए कोई उसको टीचर ही नहीं मिले, वो कोई प्रश्न करता था लोग समझते नहीं थे क्या बोल रहा है, इसलिए उनको पढ़ने के लिए कहाँ भेजा गया, स्वर्ग में भेजा गया है। इसलिए अभी कृष्ण सोच रहे हैं अगर ये उद्धव आ करके जाए वहां पर और सचमुच से उनका प्रेम की महिमा देख करके आए और आकर के इधर पंच मुंह से वर्णना करे, भैया उद्धव शुद्ध है गयो, सुनी गोपियों की बोल और ज्ञान बजाई डुगडुगी बाजे, बाजे बाजे प्रेम की ढोल, अगर उद्धव जी अगर वहां महिमा आकर के इधर गाए ना, बात सारा दुनिया एक मन में स्वीकार करेगा, नहीं जब उद्धव जी ये बात कह रहे हैं ना, जरूर उसमें कुछ है, जरूर उसमें कुछ है। कितना कारण हो गया, याद रहा। हाँ, कि तीसरा कारण कृष्ण सोच रहे हैं, जैसे बहुत गहरा पानी हो, बहुत जहां पर भौरा पड़ रहा है, अगर तुमको तैरना नहीं आता है, अगर वहां कूद जाओगे तो क्या होगा, डूब कर मर जाओगे, डूब जाओ वहां पर। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं भैया वहां जो प्रेम है ना, है वो जो प्रेम इतने हाई भाई, इतना गहरा प्रेम है ना भैया, वो प्रेम का पल्ले में कोई पड़ जाए ना, फिर तो डूब कर मर जाएगा फिर। इसलिए यहाँ पर ऐसे कौन सा व्यक्ति को भेजे जो कि वो प्रेम को थोड़ा समझ सके और वहां तैर सके, और तैरना नहीं आगे तो डूब कर मर जाएगी। इसलिए क्योंकि वो प्रेम बड़े हाई भाई प्रेम, वहां प्रेम का थापना बड़ा, जहां पर ब्रह्मा शंकर नारद भी जिसका था नहीं पाते, जिस प्रेम की है, जिसका प्रेम की था नहीं पाते, स्वयं ब्रह्मा जी 60,000 साल पत्थर बनकर तपस्या की, शंकर जी गोपी बनकर के आते हैं, अभी भी हमारे विश्वनाथ चकु ठाकुर कह रहे हैं अभी भी लक्ष्मी तपस्या कर रहे हैं, लक्ष्मी जैसे तपस्या कर रहे हैं, नारद तपस्या कर रहे हैं, सबके सब उद्धव जी भी उसके लिए तपस्या कर रहे हैं। इसलिए भैया वो प्राइम बड़ा हाई भाई है, अगर वहां पर साधारण व्यक्ति को भेजू ना, वहां पर तैर नहीं सकता, तैरने क्या होगा तो क्या होगा, डूब करके मर जाएगा। अभी कृष्ण सोच रहे हैं वो प्रेम में कौन तैर सकता है, मतलब वो प्रेम को कौन समझ सकता है, देखा यहाँ पर कोई है ही नहीं वो प्रेम को जो समझ सकते हैं, इसलिए उन्होंने किसको तय किया भेजने के लिए, उद्धव जी को भेजा, ये तैर सकता है, ये डूबने वाले नहीं, थोड़ी बहुत जब तक पूरा तैरना नहीं आता है थोड़ी बहुत ये तैर सकता है, मतलब वो प्रेम को थोड़ी बहुत ये समझ सकता है। कितना कारण हो गया, तीन कारण हो गया। अभी कृष्ण सोच रहे हैं उद्धव तो जा रहे हैं बड़ा ठीक ढाक करके, अरे ग्वाली ने ना दधि मंथन करने वाले, इनको क्या पता है, हम इतना बड़ा विद्वान, इनको तो चुटकी सभा बजाते हैं, इनको मैं समझा दूंगा, उद्धव जी अभिमान लेकर के आए थे, इनको मैं समझा दूंगा। लेकिन ये जो उद्धव यहाँ पर आ करके फिर उन्होंने रहे नहीं क्यों, फिर उद्धव जी फिर रहे नहीं क्यों, जब इनके प्रेम इतने हाई भाई है, फिर यहाँ पर तो रह सकते थे लेकिन यहाँ पर रहे नहीं। और एक बात है, वो बोल रहे थे, बोले कृष्णा तेरे विरह में मैं कैसे सहन करूंगा, एक मिनट भी तेरे विरह में मैं रह नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं तो जाकर रह नहीं सकता हूँ। कृष्ण ने कहा उद्धव जी जब वहां पर जाओगे ना, तुम ये अनुभूति करोगे मैं 90% में वहीं पर हूँ, केवल 1% में केवल यहाँ पर हूँ, लेकिन जब वहां जाओगे ना ये बात तेरे को पता चलेगा। सचमुच से जब उद्धव जी आए ना, भूल गए,
कृष्ण को उसने भूल गए कृष्ण को पूरा के पूरा। और उसी दिन हमारे सुंदर गोपालपुर एक अच्छी बात बता रहे थे, बढ़िया बात बता रहे थे, कहते ना वृंदावन वृंदावनम परित्यज्य पादकम् न गच्छामि। कृष्ण कहते हैं मैं वृंदावन छोड़कर कभी एक कदम जाता ही नहीं। इसलिए जब उद्धव जी यहाँ पर आए ना, कृष्ण हठात उन्होंने प्रकट ब्रज दर्शन करा दिया। कृष्ण रहते समय कैसे वहां पर टहल चहल मच रहा था, कैसे ब्रज गोपियां बोले गोविंद दामो तर माधवेती, गोविंद दामो तर माधवेती, गोविंद दामो तर माधवेती, गोविंद दामो तर माधवेती। उन्होंने आकर देखा बछड़े कैसे भाग रहे हैं, फुदक रहे हैं, कैसे कोई बोल भैया रस्सी ले आओ, कोई बोल पात्र ले जाओ, कोई बोल रहे हैं ये ले आओ ये ले आओ, गैया गैया आपस में कैसे लड़ रहे। क्या उन्होंने अद्भुत, कृष्ण रहते समय जैसे संपूर्ण ब्रज हरा भरा था, हठात उन्होंने एक जोग माया ने एक स्क्रीन उन्होंने लगा दिया। देखो कृष्ण रहते समय कितना आनंद, फिर वो स्क्रीन को झट उन्होंने खींच लिया, खींच लिया तो देखा वही विरह है, वही विरह है। कहते ये विरह इतना गहरा जिसको रूप गोस्वामी कहते हैं पीड़ा भीर नवकाल कुटता गर्भस्थ निर्वासना। कृष्ण विरह में जो पीड़ा है उसको उदाहरण देते हैं, अगर एक बिच्छू किसको काट देना छटपट कर तो आदमी छटपट करने लग जाता है, इतने जहरीला है, एक बिच्छू काट दे इतना जहरीला। कहते जिसको एक साथ में 10,000 बिच्छू काट दे उसमें जितना जहर है उससे ज्यादा जो विरह है, जो पीड़ा जब कृष्ण विरह में, इसलिए जो शरीर है ना वो विरह को सहन नहीं कर सकता है, हम मर जाएगा व्यक्ति। इसलिए ये शरीर छोड़ने का बाद फिर कृष्ण उसको प्रकट ब्रज में जन्म देते हैं, वैसे उनको शरीर देते हैं जिस शरीर से वो मिलन और विरह को सहन कर सके, कृष्ण प्रदान करते हैं। यहाँ पर उद्धव जी ने जब उनकी विरह को दर्शन किया बोले भैया मैं धारण नहीं कर सकता, इनका कृष्ण विरह में इतने ताप है ना उसको मैं धारण नहीं कर सकता। इसलिए उद्धव जी तो आए लेकिन भाग गए, बोले भैया मैं सहन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए यहाँ से भाग गए। कृष्ण उद्धव जी आए नहीं, वो भाग गए यहाँ से। और एक कृष्ण को पता है उद्धव तो बड़ा अभिमान लेकर के जा रहा है, क्या इनको तो चुटकी बजाते हुए मैं समझा दूंगा, ये कौन बड़ी बात है। लेकिन कृष्ण को पता था उद्धव तो जा रहे हैं लेकिन ये गोपियों को कुछ भी समझा नहीं सकता है, इनका समझ से बाहर है, ये समझा नहीं सकता है। फिर कृष्ण ने उद्धव जी की बात बताई, देख तू तो कोशिश करना उनको समझाने के लिए कृष्ण विरह को, लेकिन जब किसी तरह से समझा नहीं पाओगे एक काम कर लेना, तुम उनको बोलना आंख बंद करके बैठ जा, जब वो आंख बंद करके बैठ जाएंगे मैं स्वयं वहां पर प्रकट होऊंगा, प्रकट होकर के उनको साथ में जल विहार करूंगा, उनको साथ में निकुंज में लीला करूंगा, उनको साथ में मैं रास लीला करूंगा, कुंज में जाऊंगा, उनको साथ में नौका विलास करूंगा, झूला में झूला झुलाऊंगा। इसलिए मैं स्वयं, क्योंकि मेरा मेरे व्यतीत वो कभी भी उनको सांत्वना नहीं हो सकता है। इसलिए उद्धव जब यहाँ पर आए किसी तरह से उनको समझा नहीं पाए, किसी तरह से उनका विरह दुख दूर नहीं हुआ, बोले भैया कृष्ण अंतिम उन्होंने उपदेश दिया था सब तुम आंख बंद करके बैठ जाओ, जो बैठ गए ना कृष्ण स्वयं प्रकट होते, कृष्ण स्वयं वहां प्रकट होते हैं। और उन्होंने दर्शन किया, क्या कृष्ण तो साथ में लीला कर रहे हैं, कृष्ण के साथ में वो लीला कर रहे हैं कृष्ण के साथ में, और उन्होंने इस उसको अनुभूति किया है। इसलिए ये स्थान वही स्थान है जहां पर उन्होंने ये सारे चीज को दर्शन की, और लास्ट में उन्होंने 5 श्लोक को द्वारा ब्रज गोपियों की ब्रजवासियों की महिमा को उन्होंने गाई, बोले भैया जो प्रेम को पाने के लिए मैं स्वयं स्वयं शंकर जी जो प्रेम को पाने के लिए तरसते हैं, ये गांव में रहने वाली ग्वालिन्ना गिलिया कंडा बिनने वाली दधि मंथन करने वाली हाँ जो पवित्र जिनको है नहीं अपवित्र रहने वाली, भैया इनके अंदर में से कौन सा प्रेम है जो प्रेम को पाने के लिए हम भी तरसते हैं। बोले इता पराम तनु भृता ब्रज भूमि गोप्या, अगर जगत में किसी की जीवन धारण करना सार्थकता है किसकी, बोले इन्हीं की। बोले क्यों, बोले परमात्मा ने रूढ़ भाव कृष्ण के प्रति इनकी जो भावना है इतने रूढ़ भावना इतने साई साई भाव है, अगर जगत में कोई शरीर धारण कर सार्थकता तो इन्हीं लोगों का ही, और जगत में किसी के जीवन धन्य नहीं है। इसलिए भैया अगर इनकी चरण की जिस प्रेम को पाने के लिए लक्ष्मी भी वैकुंठ छोड़ करके बैल वन में कठोर तपस्या कर रही है,
हैं, इसलिए अगर इनकी चरण की एक धूल अगर हमें मिल जाए तो हमारे जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए हमारे जो गुरु जी है ना, यहाँ पर आकर के इतने भाव विभोर हो रहे थे। अब जो जो देखे, जिनकी सौभाग्य होगा वो देखे होंगे, क्योंकि हमारे लक्ष्य जीवन का यही है। इसलिए गुरुदेव यहीं पर आकर बैठते थे और बैठ कर गुरुदेव एकदम उसी भाव में, क्योंकि गुरुदेव भी वही उसी भाव में विभावित, उनका भी नित्य स्वरूप रमण मंजरी है। इसलिए गुरुदेव बैठ करके इतने भावनात्मक रूप में हरि कथा सुनाया करते थे। और उसको बाद जो हरि कथा के बाद में ना, जैसे ये कुर्ता पहनते हैं हाँ, इसको उतार करके गुरुदेव यहाँ पर लौट पोट खाते थे। क्यों? उद्धव जैसे व्यक्ति यहाँ की एक चरण की धूल को उन्होंने वंदना की। यहाँ जो धूल साधारण धूल नहीं, यहाँ की एक जो धूल है ना, ये सारी ब्रज प्रेम को देने में ये समर्थ हैं। इसलिए ब्रह्मा कहते चिंतामणि, ये धूल क्या है? चिंतामणि। चिंतामणि मतलब क्या? जो चिंता जो मांगो ये धूल आपको वही दे देगी। यहाँ का धूल कोई साधारण धूल नहीं। इसलिए ये स्थली गुरुदेव कहते बिरहता चरम स्थली है। गुरुदेव कहते राधा कुंड जैसे सर्वश्रेष्ठ स्थान, गुरुदेव कहते ये स्थान में कोई कमी नहीं। यहाँ पर भी उद्धव जी ये विप्रलंब का चरम स्थान ये स्थली। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, बड़े भाग्यवान हो लगता है, नीचे बैठे हो सबके सब धूल में बैठे हो, लेकिन ब्रह्मा शंकर उद्धव जी यहाँ की एक धूल के लिए वही प्रार्थना करते हैं। बोले श्री उद्धव क्यारी की, बोले श्री गुरुपाद पद्म की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, पिताई गौर प्रेमानंदे हरी हरी बोल। चलते हैं।